नमस्कार दर्शकों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ धनु लग्न की जन्म कुंडली में कौन कौन से ग्रह योग कारक और कौन कौन से ग्रह मारक होते हैं इस जानकारी को लेकर के। ये धनु लग्न की कुंडली कैसे बनी, क्योंकि जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ आप देख रहे हैं, 9 नंबर का अर्थ है नौवीं राशि। नौवीं राशि धनु राशि होती है, इसलिए यह धनु लग्न की कुंडली बनी। धनु राशि और मीन राशि दो राशि के स्वामी बनते हैं बृहस्पति देव, यानी लग्नेश और चतुर्थेश बने बृहस्पति देव। तो नंबर 1 योग कारक ग्रह के रूप में बने बृहस्पति देव। दूसरे योग कारक ग्रह बनते हैं मंगल देव। जन्म कुंडली का पंचम भाव ये त्रिकोण का भाव है, इस भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव। हालांकि मंगल इस लग्न की कुंडली के लिए व्ययेश भी हैं, जहां पर 8 नंबर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, लेकिन पंचमेश को षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश होने का दोष नहीं लगता। अब तीसरे योग कारक ग्रह बनते हैं सूर्य। आ जाइए, जन्म कुंडली का नवम भाव है, भाग्य भाव है, इस भाव के स्वामी को भाग्येश कहते हैं। बृहस्पति का भी नवमेश सूर्य के साथ मित्रता है। सूर्य भाग्येश हुए, त्रित्रिकोण के स्वामी हुए। इस लग्न की कुंडली के लिए सम ग्रह के बारे में, सम न ही तो बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाला और न ही बहुत ज्यादा अशुभ फल देने वाला। आ जाइए जन्म कुंडली के सप्तम और दशम भाव पर, जिसके स्वामी बुध बनते हैं। हालांकि सप्तम भाव ये मारक भाव है, आयु की हानि करता है, लेकिन जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, बिजनेस और मैरिज का भाव यही है, और वो दशमेश भी हैं, राज्य प्राप्ति के भाव के भी स्वामी हैं। तो इसलिए बुध देव इस लग्न की कुंडली में बने सम ग्रह। अब आते हैं इस लग्न की कुंडली में कौन कौन से ग्रह मारक होते हैं। प्रथम मारक ग्रह बनते हैं शनि। जन्म कुंडली का दूसरा भाव और तीसरा भाव, इन दो भावों के स्वामी बनते हैं शनि। तीसरा भाव न्यूट्रल भाव है, लेकिन दूसरा भाव मारक भाव है। और शनि का लग्नेश के साथ संबंध देखें तो बृहस्पति शनि को न ही तो मित्र मानते हैं न शत्रु मानते हैं। शनि की भी यही स्थिति है कि वो बृहस्पति को न तो मित्र मानते हैं न शत्रु मानते हैं, यानी बृहस्पति और शनि में सम का संबंध है। लेकिन जो शनि को भाव मिला है वो तीसरा भाव मिला है, और दूसरा भाव जो कि मारक भाव है। दूसरे मारक ग्रह बनते हैं शुक्रदेव। जन्म कुंडली का छठा भाव ये त्रिक भाव है, और जन्म कुंडली का एकादश भाव, एकादश भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। लेकिन शुक्रदेव इस लग्न की कुंडली में षष्ठेश और छठे से छठे एकादश भाव के स्वामी हैं, साथ ही लग्नेश के साथ अति शत्रु का व्यवहार रखते हैं, इसलिए दूसरे मारक ग्रह बने शुक्रदेव। अब आते हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव में। अष्टम भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं। तो वैसे तो चंद्रमा लग्नेश बृहस्पति का मित्र है, और लग्नेश बृहस्पति भी अष्टमेश चंद्रमा का मित्र है, किंतु चंद्रमा को अष्टम भाव का स्वामी मिल गया है। अत्यधिक संघर्ष का, मृत्यु मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव मिला है, इसलिए नंबर तीसरे मारक ग्रह के रूप में बने चंद्रदेव। अब बात करते हैं इस लग्न की कुंडली के लिए राहु और केतु की। तो जिस लग्न की कुंडली के लिए शनि योग कारक होता है, उस लग्न की कुंडली के लिए राहु शुभ फलदायी माना जा सकता है प्रथम दृष्टिकोण से। जरूरी नहीं है कि राहु शुभ फल ही प्रदान करे। अब उसी प्रकार केतु को ले लेते हैं। तो जिस लग्न की कुंडली के लिए मंगल योग कारक होता है, उस लग्न की कुंडली के लिए केतु को शुभ फलदायी माना जाता है। यहां पर भी जरूरी नहीं है कि केतु शुभ फल ही प्रदान करे, लेकिन राहु यदि छठे में बैठ जाए, एकादश में बैठ जाए, तो ये राहु अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में बैठ जाएगा, और ये जीवन में इतना शुभ फल देगा जितना कई बार बुध समग्रह होने के बावजूद भी नहीं दे पाएंगे। ये जो भी ग्रह योग कारक हुए या मारक हुए इस कुंडली में, वो कुंडली में किस प्रकार से बैठे हैं, शुभ स्थिति में बैठे हैं, अशुभ स्थिति में बैठे हैं, बलवान होकर बैठे हैं, कमजोर होकर बैठे हैं, जिस स्थिति में बैठेंगे वो उसी स्थिति के अनुसार अपनी महादशा या अंतरदशा में फल प्रदान करते हैं। कई बार शनि अत्यंत उच्च कोटि का धनाढ्य बना देते हैं, तो कई बार मंगल जातक के वैवाहिक जीवन को तोड़ देते हैं, वैवाहिक जीवन में विष घोल देते हैं।
कई बार बुध जातक को उच्च कोटि का बिजनेसमैन बना सकता है, उच्च कोटि का वक्ता बना सकता है, तो वहीं कई बार सूर्य भी जातक को पिता के सुखों से वंचित कर देते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कुंडली में कौन सा ग्रह किस स्थिति में बैठा है।